बरामद होगा। तो चार आइम्मा को बड़ा सख्त जहर दिया गया। मैं अर्ज कर रहा था, पहले इमाम हसन मुश्तबा, जब इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया ना, तो इमाम के तश्त में जिगर के टुकड़े आने लगे। मौला ने फरमाया मुझे पहले भी कई मरतबा जहर दिया गया, इतना सख्त जहर कभी नहीं दिया कि मेरे जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। और जब मौला हुसैन आए तो इमाम हसन मुश्तबा ने फौरन कहा, ऐ मेरे भाई हुसैन, ये तश्त छुपा दें जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े हैं। तो इमाम हुसैन ने कहा, भाई मैं आपके ये जिगर के टुकड़ों का तश्त क्यों छुपा दूंगा, क्योंकि अभी ज़ैनब आने वाली है। अभी मेरी बहन ज़ैनब आने वाली है, मेरी बहन बर्दाश्त नहीं करेगी भाई के जिगर के टुकड़े बाहर आ। खुदा किसी बहन को ये आजमाइशें, बड़ी बड़ी सख्त आजमाइश, जितना मकाम आले मोहम्मद का है उतनी उनकी आजमाइशें ज्यादा है। हजाने गिरामी, मैं मुकम्मल कर दूंगा, आपके एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। तो पहला, इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया। दूसरा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया ना, तो उसने कहा कि नहीं एक और खजूर ले। मौला ने कहा नहीं, एक ही खजूर काफी है। देखता नहीं मैं कितना कमजोर पहले ही हो चुका हूँ। अरे जो इतने साल से जिंदान में हो, इतने बरसों से जिंदान में, पूरा जिस्म इमाम का लागर हो चुका था, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। दो आप जब ताबूत उठाते ना, दो ताबूत, तो उस पर आपने जंजीरें देखी हो, एक चौथे इमाम का ताबूत, दूसरा सातवें इमाम का ताबूत। सातवें इमाम के भी ताबूत पे जंजीरें होती हैं, आपने देखी जंजीरें? कभी सोचा ये जंजीरें क्यों हैं? कि चौथे इमाम को भी बेड़ियां बांधी गई थी और सातवें इमाम को भी जंजीरें। रिवायत में है कि सातवें इमाम के जिंदान उनके ताबूत से जंजीरें बाहर लटक रही थी। तो कुछ लोगों ने पूछा मजदूरों से, जो चार मजदूर जनाजा उठा के लाए थे, अरे जिसके 18 बेटे हो, मजदूरों को पैसे दे के उसका जनाजा उठवाया था। तो कुछ लोगों ने पूछा, कहा भाई ये जंजीरें क्यों लटकी हुई हैं? अगर देख सके तो देखेगा, तो आंखें बंद करके तसव्वुर जरूर कीजिएगा। मजदूरों से पूछा ये इमाम के ताबूत से जंजीरें क्यों लटक रही हैं? कहा इमाम को जंजीरें बांधी गई थी। कहा हाँ हम जानते हैं, लेकिन जंजीरें काट दी जाती हैं, जब कोई शहीद हो जाए, कोई मर जाता है, तो जंजीरें काट दी जाती है। कहा नहीं, वो जंजीरें इमाम के गोश्त को काट के हड्डियों तक चली गई थी, इसलिए वो जंजीरें काटी नहीं जा सकती थी। तो दूसरा जो जहर दिया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को, तीसरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अंगूर में जहर दिया गया, और चौथे जिनको जहर सख्त दिया गया, जिगर के टुकड़े आने लगे, वो इमाम हसन अस्करी है। मैं पेश करूंगा आपके सामने, आज इमाम हसन अस्करी का पुरसा देना है ना। आपके जहन में है वो रिवायत कि चौथे इमाम ने शब आशूर अपनी फुफी जनाबे ज़ैनब से पूछा, फुफी अम्मा आप तहज्जुद की नमाज बैठ के पढ़ रही हैं? मैंने कभी जिंदगी में आपको बैठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो जनाबे ज़ैनब रोने लगी, कहा बेटा इतनी प्यास की शिद्दत है, मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा, इतनी शिद्दत है प्यास की। अजाने गिरामी, जनाबे ज़ैनब 56 बरस की, जब वाक्य करबला हुआ शाम गरीबा में, कि मौला फरमाते शब आशूर शाम गरीबा में बीबी बैठ के तहज्जुद पढ़ रही थी, लेकिन 28 बरस के हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मुझे नहीं मालूम अब कौन रोएगा कौन। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 28 बरस के, जब उन्हें जहर दिया तो वाजिब नमाज भी बैठ के पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा मौला क्या बात है, का ऐसा जहर दिया मेरा पूरा जिगर घुल गया, मेरे आजा अंदर से घुल रहे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जो आदमी जा रहा था, मौला मैं जा रहा हूँ, मौला ने कहा जब तू कल आएगा ना, तो यहाँ ताबूत होगा, जनाजा होगा, तू मुझे नहीं देखेगा। वो तड़पने लगा, कहा मौला आप तो 28 बरस के जवान हैं। मौला ने कहा मेरी जवानी को ना देख, उस जहर की शिद्दत को देख जो मुझे दिया गया। भाई कोई रोने में बुखल ना करे, आज जनाबे सैयदा से कहे बीबी कैसे दुआएं मांग मांग के आपने अपना चमन आबाद किया था, किसकी नजर लगी कि यह आपका घर उजड़ गया, ये चमन सारा बर्बाद हो गया, कोई कहां मारा गया, कोई मशहद में जहर दिया, कोई करबला में घोड़े दौड़ाए गए, कोई काजमैन के पुले बगदाद पे लाशा पड़ा, कोई सामर्रा में जहर देके मार दिया। अदरक को मिला, अदरक अभी नहीं, ताबूत अभी नहीं आएगा, अभी थोड़े 4 से 5 मिनट, 7 मिनट अभी जहमत।
मैं आपको और दूं, कोई रोने में बुख ना करे, मैं जितना मुख्तसर कर सकता हूं करूंगा। आज आप जब ज़ियारत करेंगे ना तो एक और पुरसा दीजिएगा इमाम ज़माना को, उनके बाबा को भी पुरसा दीजिएगा। मौला आज आप यतीम हो रहे हैं, मेरी तरफ देखिएगा। इमाम ज़माना 5 बरस के थे जब यतीम हुए, मौला आप 5 बरस के हैं जब यतीम हुए, लेकिन मौला एक आपकी फुफी थी, नाम सकीना था, वो 3.5 बरस की थी। मौला आप तो गैबत में चले गए, बालों में शिमर ने हाथ डाला। मौला जब उन्हें तमाचे लगे, जब कानों की बालियां, आज रोको मल्ला, आज कोई बुखल ना करे, आखिरी मजलिस है ना। मैं एक सवाल करूं, आप जब रोते हैं तो कोई तमाचा तो नहीं मारता आपको, आपको ताजियाने तो नहीं मारे किसी ने? मुझे पता है यहां मस्तूरात भी बैठी हैं, आपके साथ भी शायद कोई बीबी आई हो, अगर आपकी कोई छोटी सी बच्ची को आपके सामने तमाचा मार दे, क्या गुजरेगी आप पे? और अगर आपको पता चले कि आपके साथ कोई आई बीबी बेहोश हो गई है, पूछेंगे तो सही ना आप कि किसी ने पानी पिलाया या नहीं पिलाया? अजरों को मेरा बस भाई, इमाम हसन अस्करी को जहर दिया, इमाम ने कहा मेरे जिगर खुलने लगा है, मेरे आजा खुल रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख में 4 ऐसे ताबूत है, बड़ी मजलूमियत के ताबूत है। पहला जनाबे फातिमा तो जहरा का ताबूत, रात की तारीखी में उठा, सिर्फ 14 जनाजे में लोग, अरे कायनात की मलेखा, सिर्फ 14 लोग जनाजे में। जब जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने जनाजा हाथों पे उठाया तो हाथों पे लाशा उठा के कहा, या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लें, सैयदा को दफनाने वाला कोई नहीं है, हसनैन छोटे हैं, बाकी सारे नामहरम हैं। एक मर्तबा कब्र से दो हाथ उठे, कहा या अली मेरी बेटी लौटा दें। जब मौला ने लाशा दिया, कहा या रसूल अल्लाह ये वो फातिमा नहीं जो आपने मुझे दी थी, इसकी पसलियां टूटी हुई है। मैं हाथ जोड़ के चंद जुमले पेश करूंगा, ताबूत बरामद होने वाला है। मैंने कहा 4 ताबूत सुनेंगे, दूसरा ताबूत किसका है? दूसरा एक छोटी सी बच्ची का ताबूत है। उस बच्ची को ताबूत नसीब नहीं हुआ, एक भाई के हाथों में जंजीरें थी, गले में तौक था, पांव में बेड़िया थी। बहन का लाशा उठा के रोते हुए इमाम ने कहा, ओ 72 के आजादार बाबा अपनी बेटी का लाशा ले लो। अजरकुमल अल्लाह, जानते हैं तीसरा ताबूत किसका? तीसरा ताबूत इमाम मूसा काजिम का, पुले बगदाद पे धूप में ताबूत पड़ा रहा। इमाम रजा रोते रहे, हाय मेरा बाबा कितना गरीब इमाम है। चौथा ताबूत इमाम हसन अस्करी का, एक छोटा सा बेटा 5 साल का, ना कोई साथ में था। बाप माँ, मैं कहूंगा बाप की शहादत हो चुकी, खुदा किसी माँ को ऐसा लाशा ना दिखाए, 28 साल का जवान बेटा। मेरा दिल कहता है, इमाम जमाना कहते होंगे, दादी अम्मा मत रोइए, मेरे बाबा जन्नत में चले गए, लेकिन माँ को कोई कैसे समझाए? माँ के सब्र के लिए जैनब का कलेजा चाहिए, बेटों के लाशें